मंगेश एक मिनट मैच रुका, एक मिनट सबको पीछे जाने दे, उसके बाद मैच चालू करते। भाई लोग पीछे जाओ ना भाई, अरे दिख रहा है बाउंड्री है उधर है फिर भी आगे जा रहे। ए शफीक भाई, ओ भाई वहां से भी हट जाओ, झोपड़े के पास से भी हट जाओ। और समीर वहां पे जिसको जमा कर रहा हटा दे सबको। शॉट यार। और अभी इस्माइल भाई ये फाइनल मैच का कमेंट भी करेंगे। थैंक यू ओशन भाई। और ये फाइनल मैच का पहला बॉल, दूसरा सॉरी, जिसको बहुत दूर मारा है सेल्विन ने, काफी अच्छे लय में नजर आ रहे। दूसरा बॉल ऑफ साइड पर कवर ड्राइव की दिशा में खेला है, यहां पर प्लेयर मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक ही ओवर का मैच है तो जल्द से जल्द मैच खत्म हो जाए ताकि अंधेरा ना हो। संजू जो के अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की थी, देखेंगे अभी क्या करते हैं। अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था पर पूरी तरीके से चूक गए। मंगेश का कोई वहां पर डिसीजन नहीं, डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी वहां पर संजू की। बॉल कितना हो, बॉल चार गेंदें हो चुकी है। संजू फिर से एक बार, और ये बढ़िया गेंद, और यहां रनआउट होने का चांस, और पूरी तरीके से कामयाब रनआउट लेते हुए तो पहला विकेट गिरते हुए। और ये बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है संजू द्वारा, बहुत ही जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं, लाइन लेंथ मेंटेन करके रखा है और उभरते सितारे हैं सी साइड के। आठ रन हो चुके हैं और ये गेंद पे क्या करेंगे सेल्विन, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर, देखेंगे क्या होता है। और ये बॉल जा रही है सीमा रेखा पार, बाउंड्री, और इसी के साथ में तेरह रन का टारगेट है, 12 रन मारा है, 13 रन का टारगेट है, जल्द से जल्द 13 रन बता रहे हैं यहाँ पे। चौदह भी नहीं, सॉरी जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए क्योंकि अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पर नई एक घोषणा आई है, काट ऑफ ब्लू के ओनर हमारे महबूब भाई, उन्होंने अवार्ड रखा है कि जो कोई तीन गेंदों में तीन विकेट लेता है या तीन गेंदों में तीन सिक्स मारता है उनको ₹2500 का इनाम है। तो इस जो अवार्ड का है भरपूर फायदा उठा है जो भी बैट्समैन होगा और बॉलर होगा, दोनों को ही उन्होंने मौका दिया है अवार्ड जीतने का। हेलो, तो देखेंगे क्या होता है, जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए, अंधेरा हो रहा है। हेलो, एक बार इस्माइल भाई जो हमारे डांडे के टिकटॉक के बहुत बड़े फेम है, जोरदार तालियां प्लीज। वो डांडे के सबसे बड़े फेम है, वो हमारे चीफ गेस्ट ओनर भी है इस्माइल भाई। मजाक क्या, चलो भाई, बनाने के लिए सफीक भाई का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात तो एकदम सही है भाई, इसमें कोई बोल रहा नहीं है। तो जीतू फील्डिंग जल्द से जल्द सेटअप करे, अंधेरा हो रहा है, जितना लेट होगा उतना प्रॉब्लम होगा, बॉल नहीं दिखेगी फिर। तो जल्द से जल्द शुरू करें मैच। और फिर से एक बार बता दूं कि हमारे काट ऑफ ब्लू के जो ओनर है महबूब भाई, उन्होंने अवार्ड रखा है तीन गेंदों में तीन सिक्स जो मारेगा और तीन गेंदों में तीन विकेट जो लेगा उनके ₹2500 का इनाम है, ₹2500 एकदम हार्ड कैश पेडी पैक। तो पहली गेंद सेल्विन की शुरुआत,
बढ़िया गेंद यहाँ पर और इसी के साथ में विकेट लेते हुए तो पहली बॉल पे पहली सफलता पाते हुए दिनेश झा का भी। और दिनेश जो अपने ट्रॉफीज के और टी शर्ट जिसने बनाया दिनेश वो प्लीज स्टेज पे आ जाइए। दिनेश भाई को बुलाया गया है श्रीराम स्पोर्ट्स प्लीज स्टेज पे आ जाइए। तो वो बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी जैसे कि हम देख रहे हैं सिल्विन का जो परफॉर्मेंस रहा है आउटस्टैंडिंग रहा है कल से देख रहे हैं हम उनका वन मैन शो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और उनकी जो टीम है उनका मैनेजमेंट है कप्तानी है कप्तान की वो काफी ही जबरदस्त थी जो इस मुकाम पे आकर छोड़ा है उन्हें और सेल्विन अपनी अगली गेंद लेकर तैयार देखेंगे क्या होता है अभी। पवन ने वहां पर शो खेलना चाहते थे और यहाँ रनआउट का मौका हो सकता है पर थोड़ा सा भाग्य ने साथ दिया पवन का जावेद के हाथ से गेंद छूट गई वरना बिल्कुल वो आउट हो जाते रनआउट और ये दूसरी विकेट पे मिल जाती। तो दो गेंदे हो चुकी हैं सेल्विन अच्छे ले में नजर आ रहे हैं और अब लाफड़ा दिखेंगे किस तरीके की गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं और ये बड़ा शो खेलने का प्रयास चूके और एक डॉट बॉल तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए सेल्विन जैसे कि मैंने बताया था कि कल से उनका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंसी उनकी बहुत ही जबरदस्त और अगली गेंद फिर से एक बार तैयार बड़ा शो खेलने का प्रयास और यहाँ पर देखें विकेट मिलता है नहीं लेकिन निश्चित रूप से रनआउट तो मिलेगा लेकिन हम एम्पायर का डिसीजन देखेंगे क्या है कैच आउट है या रनआउट रनआउट ओके रनआउट के रूप में चार बॉल हो चुकी है मंगेश दो गेंदे बची हैं। मैं नीलेश से गुजारिश करना चाहूंगा कि एक डीजे वाले को मोमेंटो दीजिए प्लीज कि उन्होंने काफी मेहनत किया था हमारे लिए आज। नीलेश जी प्लीज एक बार जोरदार तालियां डीजे साउंड आर्ट के लिए। तो दो गेंदे अभी बची हैं कितना चाहिए और ये लेग साइड पर डाली गई गेंद देखेंगे अंपायर का क्या यहाँ पर डिसीजन होता है दूसरे रन का यहाँ पर चांस था पर अंपायर की उंगली उठते हुए और ये विकेट का अंपायर का इशारा वाइट है ये गेंद वाइट है एक रन ही अभी का दो रन है दो सामरन स्टेज पे आ जाएगा मंडप के डेकोरेशन लाइट किसने भी अब हेल्प किया है वो है अबू भाई उनके लिए एक बार जोरदार ताली अबू भाई सामने से गुजारिश करूंगा कि एक मोमेंट दिया जाए उनको प्लीज चार बॉल हो चुकी है गेंदों के लिए और ये लेग साइड पर देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर दूसरा रन लेने का प्रयास है लेकिन अबू भाई संतोष अब ये मैच पूरी तरीके से सेल्विन लोगों की टीम के पक्ष में राजू अंकल आ चुके हैं एक बार जोरदार तालियां राजू अंकल के लिए स्टेज पे आइए प्लीज राजू अंकल एक गेंद दस रन देखेंगे क्या होता है और इसी के साथ ये यूपीएल जीते हुए बहुत ही अच्छी वहां पे परफॉर्मेंस और अपने जीत का जश्न मनाते हुए राइडर्स ने ये यूपीएल का खिताब जीत लिया है 2019 का तो उनको ढेर सारी मुबारकबाद